हाल ही के अमृतसर के मजीठा रोड और अमन एवेन्यू रहने वाले युवक कमलजीत सिंह जो कि अपने घर तो 2 लाख तो ज़्यादा की रकम लैके भज गया सी। उस दे परिवारक मैंबरां ने पुलिस नूं शिकायत दर्ज करवाई जिस तों बाद पुलिस ने उस नौजवान नूं गिरफ्तार कर जेल भेज दिता सी। हाल ही दे विच जेल विच कमलजीत की तबीयत विगड़ी अते उस नूं अमृतसर के गुरु नानक देव हस्पताल दे विच लियांदा गया जिथे उसकी मौत हो गई। परिवार का कहना है कि वह हाल ही दे विच ही नौजवान नूं मिल के आए सन अते वह बिल्कुल ठीक सी। उन्होंने वालों कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उन्होंने कहना है कि जेकर कमलजीत की हालत खराब हो गई सी तां परिवार नूं क्यों नहीं दस्या गया, उसकी मौत किवें हुई है, परिवार अजिहे सवाल चक रहा है। परिवार का कहना है कि इस दे विच पुलिस कर्मचारियों की लापरवाही है जिन्हां दे खिलाफ बनती कार्रवाई होनी चाहिए है। ब्यूरो रिपोर्ट अज दी आवाज। परमजीत सिंह परमजीत की होया कि आ जिहड़ा डेड बॉडी किहदी है? डेड बॉडी मेरे छोटे भरा दी कवलजीत दी। की मामला है? ए जेल च ही ते मैनू सवेर दा कोई फोन नहीं आया, कोई इनफॉर्म नहीं किया। फिर मैनू थानेदार दा फोन आया कि इस तरह जेलों फोन आया तो फोन करो। मैं जेल च फोन किया, वो कहिंदे जी ये ना सवेरे बैरक च ना उठा नहीं है, इहनू हलाया लुया तो उठा नहीं है, तो गुरु नानक हॉस्पिटल आ गए सवेर का। इत्थे आके इन्हां नूं पुछया जिहड़े लैके आए आ, ये कहिंदे सवेरे उठ के इन्हें चाह चू पीती है, बाद चो इहनू कंबणी जी छिड़ी आ ते उह लैके आए। 8:30 बजे का जेलों लिया, इत्थे 10:30 बजे पहुँचे आ। तो मैनू हुण 11:30 मैनू फोन किया, मैनू ना 8:30 बजे किसी ने किया ना 10:30 बजे किया। 11:30 मैनू फोन करके कहिंदे तुहाडा ब्रदर सीरीयस ते आओ। मैं उत्थे गया वहाँ, डॉक्टर कहिंदे डैथ है जी, काफ़ी देर का ठंडा होया शरीर, डैथ हो चुकी है जी। किन्ने क बजे दा दस्सदे डॉक्टर कि जदों डैथ होई आईडिया दस्सण नूं कुछ? डॉक्टर कहिंदे साडे को आया तो उदों डैड ही है। की कारण की समझ लगदे की कारण हो सकदे जी मौत दे? कारण हुण जेल प्रशासन दस्से की कारण है, जे ढिल्ला ही सानूं पहले नहीं इनफॉर्म कीती। सवेरे जे 8:30 बजे दे पर्ची बनाई जेल वालिया ने, सानूं 8:30 बजे क्यों नहीं फोन किया? 11:30 बजे क्यों किया? 10:30 बजे उन्हें दसता कि डैथ हो गई है, अद्धा के एक घंटा किनू डीकन डे ही है। जेल वाले दसनगे की प्रॉब्लम है, की गल हुई है। परसों मैं मिल के आया वा चंगा भला ही, तो मैं उसकी अज जमानत के पैसे दते एडवोकेट नूं अज शाम, नहीं तो कल उसकी जमानत हो जानी ही। घरों ही वो पैसे लै गया ही, तो फिर मैं गुस्से जा के मैं ही करवाया ही अंदर। ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੈ? 42 ਈਅਰ ਦਾ। ਮੈਰਿਡ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ? ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 8:30 ਵਜੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਚੀ ਬਣਾਈ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਡੈਡ ਹੀ। 8:30 ਵਜੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 9 ਵਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 8:30 ਵਜੇ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਤੁਰੇ ਆ, ਅਤੇ 10:30 ਵਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ। ਜੇ 10:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਹੀ, 1 ਘੰਟਾ ਕਿਹਨੂੰ ਡੀਕਣ ਡੇ ਹੀ? ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਨ ਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੇਲੀਅਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ। 10:30 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਪਹਿਲੇ, ਤਾਂ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:30 ਤੱਕ 2 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਲੱਗੇ। 1 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਮੇਰਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਅ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਤਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਹਿਲ ਜੁਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੇਜ ਤਾ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਂ ਰਹੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾਂ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਸਰ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ। ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ।